हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज ही हमारी RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की 5वीं क्लास है। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। आइए आते हैं आज के पहले सवाल पर। सवाल नंबर 89 है, मीर अमन की फोर्ट विलियम कॉलेज तक रसाई का जरिया है, यानी मीर अमन की रसाई फोर्ट विलियम कॉलेज में किसके ज़रिए से हुई थी, किसके मार्फत हुई थी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा मीर बहादुर अली हुसैनी। मीर बहादुर अली हुसैनी की मदद से जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन गए। ठीक है, अगर पूछा जाए कि फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे पहले तकरूरी किसकी हुई थी, यानी सबसे पहले कौन गया था, तो इसका जवाब भी यही हो जाएगा मीर बहादुर अली हुसैनी। अगर पूछा जाए कि फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज़्यादा किताबें लिखने वाला मुसन्निफ कौन है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, हैदर बख्श हैदरी हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका जवाब क्या है, मीर बहादुर अली हुसैनी, इनके ज़रिए जो है मीर अमन की रसाई हुई थी। आगे आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 90 है कि मजमूआ नग्ज को किसने तरतीब दिया। मजमूआ नग्ज एक तस्करा है कुदरतुल्ला कासिम का। कुदरतुल्ला कासिम का एक तस्करा है मजमूआ नग्ज, और उसको मुरत्तब किया है, उसको तरतीब दिया है महमूद खान शीरानी ने। ये बहुत ही मशहूर सवाल है और बार बार जो है ये रिपीटेड सवाल कह सकते हैं, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो दोनों बातें याद रखनी चाहिए कि कुदरतुल्ला कासिम का एक तस्करा है मजमूआ नग्ज, उसको मुरत्तब किया है महमूद खान शीरानी। महमूद खान शीरानी को तहकीक का मौली में अव्वल कहा जाता है। ठीक है, और इनके बेटे का नाम था अख्तर शीरानी, और अख्तर शीरानी का जो असल नाम है मोहम्मद दाऊद खान है। ये भी पूछा जाता है मोहम्मद दाऊद खान, ये अख्तर शीरानी का असल नाम है, उनको शायर रुमान कहा जाता है। आइए आते हैं आज के अगले सवाल पर, 91 पर। तौबतुन नसूह में मरकज़ी हैसियत हासिल है, यानी इनमें से कौन सा किरदार ऐसा है जो तौबतुन नसूह का मरकज़ी किरदार है। तो तौबतुन नसूह में क्या है, ये नसूह जो है इसका मरकज़ी किरदार है, ये वालिद रहता है, और ये कलीम और फहमीदा उसके बेटे और बेटियां हैं। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग भी जो है इसका एक किरदार है। ठीक है, यानी जो चारों किरदार दिए गए हैं सब तौबतुन नसूह के ही हैं, लेकिन यहाँ पूछा है मरकज़ी किरदार, मुख्य पात्र, तो मरकज़ी किरदार कौन है, नसूह रहता है। ठीक है, और मौलवी नज़ीर अहमद ने जितने भी नावल लिखे हैं सब इस्लाही नावल लिखे हैं, इनके जो नावल हैं सभी इस्लाही नावल हैं, और सबको जो है मतलब कि कुरान के ज़रिए उसको साबित करने की कोशिश की है। ठीक है ना, यानी सभी जो है कुरान के हवाले में लिखा गया इनका सब नावल है। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। सिनेमा का इश्क 92 है, सिनेमा का इश्क किसका इंसाइया है। तो सिनेमा का इश्क ये किसका है, ये है पतरस बुखारी का। मजामीन पतरस में कुल 11 मजामीन है, और उस 11 में एक ये भी शामिल है सिनेमा का इश्क। ठीक है ना, तो हो जाएगा पतरस बुखारी, इनका असल नाम है अहमद शाह बुखारी, और ये अक़वामे मुत्तहिदा से वाबस्ता थे, संयुक्त राष्ट्र संघ से वाबस्ता थे। क्लियर हो गया ना, चलिए आते हैं आज के अगले सवाल पर। अगला सवाल है 93, उर्दू में इंशाया निगारी की सिन्फ किस जबान से आई। सवाल ध्यान से देखिए, उर्दू में इंशाया निगारी की सिन्फ किस जबान से आई, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, अंग्रेज़ी। इसका जवाब क्या हो जाएगा, अंग्रेज़ी। हालांकि इंशाया जो सबसे पहले थी, सबसे पहले इंशाया जो है वो फ्रांस में खूब फरोग पाई, इंशाया जो है फ्रांस में खूब फरोग पाई, और फ्रांस में इसका मौजूद है मोंटेन, फ्रांस में इसका कौन मौजूद है, मोंटेन, और वहाँ खूब फरोग पाई, और फरोग पाने के बाद जो है ये अंग्रेज़ी अदब में आई, और अंग्रेज़ी के रास्ते से उर्दू में आई। ठीक है ना, अंग्रेज़ी के रास्ते से ये किस में आई, उर्दू में आई, समझ गए ना। तो यही चीज़ याद रखना है कि ये पूछा गया है कि इंसाइया निगारी की सिन्फ किस जबान से आई, यानी उर्दू में किस जबान से आई, उर्दू में अंग्रेज़ी। सबसे पहले कहाँ थी, सबसे पहले फ्रांस में थी, फ्रांस के बाद अंग्रेज़ी में आई,
अंग्रेज़ी के बाद किस में आई? अंग्रेज़ी के बाद आई उर्दू में। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, रेसाला तहजीबुल अखलाक कब जारी हुआ? तो रेसाला तहजीबुल अखलाक आपको मालूम है कि सर सैयद ने इसको जारी किया था, और जब सर सैयद लंदन में थे तो वहीं से इसका इरादा बना लिया था। उसके बाद हिंदुस्तान में आकर के बनारस में आए, और बनारस से ही 1870 में, 24 दिसंबर 1870 में यह रिसाला तहजीबुल अखलाक बनारस से जारी हुआ, बाद में अलीगढ़ से निकलता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी चाहिए। और इसका जो अंग्रेज़ी नाम है, रिसाला तहजीबुल अखलाक का जो अंग्रेज़ी में नाम है, मोहम्मडन सोशल रिफार्मर, याद रखिएगा, मोहम्मडन सोशल रिफार्मर इसका जो है अंग्रेज़ी नाम है, और उर्दू में है तहजीबुल अखलाक। क्लियर हो गया? चलिए आते हैं अगले सवाल पर। 95, उर्दू में खाका निगारी की बुनियाद किसने डाली थी? खाका निगारी की बुनियाद, खाका निगार कौन है? मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग। इन्होंने सबसे पहले अपने उस्ताद मौलवी नज़ीर अहमद का खाका लिखा था। बाद में जो है, जो अपने उस्ताद का खाका लिखा था वो मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी के नाम से लिखा था। और उसके बाद एक और खाका लिखा था, एक वसीयत की तामील में, जो मौलवी वहीदुद्दीन सलीम पानीपति का खाका था। ठीक है, तो उर्दू के पहले खाका निगार कौन है? मिर्ज़ा फरहतुल्ला बेग। क्लियर, चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में कौन सी किताब लिखी गई? लाइफ ऑफ मोहम्मद, ये विलियम मयूर था, एक अंग्रेज़ था विलियम मयूर, जिसने एक किताब लिखी थी लाइफ ऑफ मोहम्मद, जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जहर अफसानी थी। और उसको देखकर सर सैयद एकदम बेताब हो गए, और उस किताब का जवाब देने के लिए वो लंदन गए, और वहाँ उन्होंने बैठ करके लिखी खुतबात अहमदिया। तो खुतबात अहमदिया कितनी जिल्द, कितने खुतबात अहमदिया में कुल कितने खुतबे हैं? 12 खुतबे। ठीक है, खुतबात अहमदिया सर सैयद की किताब है, और ये किताब खुतबात अहमदिया लाइफ ऑफ मोहम्मद का जवाब है, और लाइफ ऑफ मोहम्मद किसकी है? विलियम मयूर। ठीक है, इसमें कितने खुतबे हैं टोटल खुतबात अहमदिया में? 12 खुतबे। क्लियर हो गया, आगे आइए अगले सवाल पर। मुगालता किसकी तख्लीक है? रशीद अहमद सिद्दीकी, इसमें चुगताई, ख्वाजा हसन निज़ामी, मंटू। तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रसीद अहमद सिद्दीकी। रसीद अहमद सिद्दीकी का एक मजमून है, उसका नाम है मजामिन रशीद, और उसमें टोटल 20 मजमून शामिल हैं। तो उसमें एक मुगालता भी है। मुगालता के माने होता है गलत फहमी या भूल चूक कह सकते हैं। ठीक है, इसके माने होता है, तो ये रसीद अहमद सिद्दीकी का मजमून है। आइए आते हैं अगले सवाल पर। सीरत नोमान में शिबली ने किसकी सवाने लिखी है? सीरत नोमान में किसकी सवाने लिखी है? इसका जवाब हो जाएगा इमाम अबू हनीफा। इमाम अबू हनीफा सीरत नोमान, और इन्हीं के निस्बत से जो है शिबली अपने नाम के आगे नोमानी लगाते थे। ठीक है ना, तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इमाम अबू हनीफा। अगला सवाल, मिस्टर टेलर के कत्ल के इल्ज़ाम में किसको मौत की सज़ा दी गई? मिस्टर टेलर कौन था? ये दिल्ली कॉलेज में प्रिंसिपल था। ठीक है, ये दिल्ली कॉलेज में प्रिंसिपल था, 1857 वाला मामला चल रहा था। और पहले इसका जवाब देख लीजिए, मिस्टर टेलर के कत्ल के इल्ज़ाम में किसको मौत की सज़ा दी गई? इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद बाकिर। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद बाकिर। मोहम्मद बाकिर के जो बेटे थे उनका नाम था मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और मोहम्मद बाकिर ने दिल्ली से एक उर्दू अखबार जारी किया था, दिल्ली उर्दू अखबार, जो कि दिल्ली से निकलने वाला उर्दू का पहला अखबार था। ठीक है, दिल्ली से निकलने वाला उर्दू का पहला अखबार, दिल्ली उर्दू अखबार। हालांकि जो है उर्दू का पहला अखबार जामे जहां नुमा है, जो कि कलकत्ता से शुरुआत हुई थी उसकी। ठीक है, वो तो एक अलग बात थी। तो मोहम्मद बाकिर की हम बात कर लेते हैं कि मिस्टर टेलर के कत्ल के इल्ज़ाम में किसको मौत की सज़ा दी गई थी? मोहम्मद बाकिर को। दरअसल क्या है कि मिस्टर टेलर दिल्ली कॉलेज में थे, मोहम्मद बाकिर भी उसी में पढ़ाते थे, तो इनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे मिस्टर टेलर के। मिस्टर टेलर से इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और मिस्टर टेलर जो था, जो अंग्रेज़ था, प्रिंसिपल था, उस वो भी बहुत अच्छा इंसान था। तो 1857 की गदर वाला पूरा माहौल चल रहा था, और अंग्रेज़ों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कि
बहुत ख़राब माहौल था उस वक्त का। तो इसने क्या किया, मोहम्मद बाकिर ने मिस्टर टेलर को अपने घर में पनाह दे दी कि अपने घर में रहेंगे, अच्छे आदमी हैं, क्यों मार खाएंगे। तो उसके बाद जो है क्या हुआ कि मिस्टर टेलर मोहम्मद बाकिर के घर में कुछ दिन थे, लेकिन 1857 का जो मामला था, माहौल था, वैसे ही चल रहा था। रोज डेली किसी ना किसी अंग्रेज़ को ये लोग घेर घेर करके मारा करते थे, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि मोहम्मद बाकी मिस्टर टेलर घर में रहते रहते घबरा गए। तो उन्होंने मिस्टर बाकिर से कहा कि ऐसा, मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं लंदन जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बाहर बहुत दंगाई, बाहर जो है दंगाई लोग हैं, आप जाएंगे तो आपको जो है सब लोग मार देंगे। तो उन्होंने जो है तरकीब निकाली, मिस्टर टेलर ने कहा कि ऐसा है, मैं जो है अपना जो हौलिया बदल कर जाऊँगा। तो कुर्ता पायजामा पहन लिया, नकली दाढ़ी लगा ली, टोपी लगा ली, लेकिन वो गोरा अंग्रेज़ कोई भी पहचान सकता है। और जैसे ही बाहर निकला वो, और उसके बाद दंगाइयों ने, भीड़ ने उसको डंडे से पीट पीट करके मार डाला, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने क्या इन पर इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद बाकिर ने अपने घर में पनाह दी, लेकिन ज़बरदस्ती वो घर से धक्का देकर उनको बाहर निकाल दिए और दंगाइयों ने उनको पीट पीट कर मार डाला। तो मोहम्मद बाकिर पर जो है मिस्टर टेलर के कत्ल का इल्ज़ाम लगा था, समझ में आ गई बात ना। मिस्टर टेलर के कत्ल का इल्ज़ाम किस पर लगा था, मोहम्मद बाकिर पर। फिर मोहम्मद बाकिर को भी जो है तोप के दाने पर खड़ा कहकर मार दिया गया, समझ में आ गया ना। चलिए ये हो गया। अगला सवाल, एशिया जाग उठा किसका मजमूआ कलाम है। एशिया जाग उठा अली सरदार जाफरी, अली सरदार जाफरी, एशिया जाग उठा। अली सरदार जाफरी का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से है, ठीक है। और इन्होंने तरक्की पसंद तहरीक पर एक किताब भी लिखी है, उसका नाम है तरक्की पसंद अदब के नाम से। तरक्की पसंद अदब के नाम से इन्होंने एक किताब लिखी है, ठीक, अली सरदार जाफरी ने। आइए आते हैं अगले सवाल पर। अमीरन को अगवा करके कहाँ ले जाया गया। आपको मालूम है ना कि जो है फैज़ाबाद में अमीरन थी, 8 साल की थी ये, और इसको जो है दिलावर खान ने अगवा कर लिया और ले जाकर लखनऊ के एक तवायफ खाने पर बेच दिया था 125 125 रुपये में, ठीक है ना। तो अगवा करके कहाँ ले गए था, लखनऊ ले गए, और वहाँ इनको जो है अमीरन को 125 रुपये में बेच दिया गया। फिर आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 102, सुर्ख सवेरा किस शायर का मजमूआ कलाम है। सुर्ख सवेरा, सुर्ख सवेरा, गुले तर, बेसाते रक्स, ये किसका है, मखदूम, मखदूम मोहिद्दीन, इश्तराकियत का इमाम इनको कहा जाता है, इस तरह के कई इमाम, मखदूम, मोहिद्दीन, ये इनका तीनों शेरी मजमू है, सुर्ख सवेरा, गुले तर और बेसाते रक्स। तो सवाल नंबर 102 हो गया। आते हैं अगले सवाल पर। नज़ीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते हैं या फरिश्ते, इंसान नहीं होते, ये कौल किसका है। ये कौल है आल अहमद सरूर का। आल अहमद सरूर ने कहा है कि नज़ीर अहमद के किरदार या तो शैतान, यानी ये तो या तो एकदम ख़राब होंगे, या तो ये बहुत अच्छे होंगे, या तो फरिश्ते जैसे होंगे, इंसान होते ही नहीं। हालांकि जो है इंसान जो होता है, इंसान में अच्छाई बुराई दोनों चीज़ होती हैं, ठीक है, अच्छाई और बुराई इंसान में दोनों चीज़ होती हैं, लेकिन जो है नज़ीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते हैं, यानी या तो बहुत बुरे होंगे, या तो बहुत ख़राब होंगे, या तो फरिश्ते होंगे, इंसान होते ही नहीं, ठीक है ना। तो ये बात किसने कही थी, ये बात आल अहमद सरूर ने कही थी मौलवी नज़ीर अहमद के लिए। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 104, सवाल नंबर 104 है, चार है कि शिकस्त के नाविल निगार कौन है। शिकस्त, शिकस्त के नाम से नाविल किसने लिखा, शिकस्त किसका नाविल है, ये है कृष्ण चंद्र का। कृष्ण चंद्र का नाविल है शिकस्त, और ये कृष्ण चंद्र का पहला नाविल है, कृष्ण चंद्र का ये पहला नाविल है, और इसकी सने तसनीफ है 1943। कब लिखा इन्होंने, 1943 में लिखा है ये, और ये इनका पहला नाविल है। और ये शिकत जो नाविल है ये तीन अबवाब पर हैं, कितने अबवाब पर हैं, तीन अबवाब पर मुश्तमिल है जो नाविल इन्होंने शिकस्त लिखा है। नाविल जो शिकस्त लिखा है ये जो है इन्होंने कश्मीर की गुलमर्गा होटल में बैठ करके लिखा है, ठीक है ना, कश्मीर की गुलमर्गा होटल में बैठ करके लिखा है। और ये नावल लिखा है इन्होंने 21 दिन में, कितने दिन में लिखा गया, 21 दिन में लिखा गया, ठीक है। किशन चंद्र का पहला नावल शिकस्त हो जाएगा, कब लिखा गया, 1943 में, और कितने बाब में है, तीन अबवाब में है, और ये इनका पहला नावल है शिकस्त, समझ में आ गया ना।
चलिए, ये तो बात हो रही थी। और कहाँ पर बैठकर लिखा था? कश्मीर की गुलमर्गा होटल में। आगे आते हैं अगले सवाल पर। मास्टर रामचंद्र की तसनीफ है, यानी इनमें से कौन सी तसनीफ मास्टर रामचंद्र की है? अजायबे रोजगार कौन सी है? अजायबे रोजगार मास्टर रामचंद्र की है। मास्टर रामचंद्र दिल्ली कॉलेज में पढ़ाते थे। ठीक है, फिर अगला सवाल है कि मौलवी जकाउल्ला की तसनीफ है, यानी इनमें से कौन मौलवी जकाउल्ला की तसनीफ है? तो मौलवी जकाउल्ला ने किताब लिखी थी तारीख़ हिंदुस्तान। तारीख़ हिंदुस्तान कितनी जिल्दों में है? 10 जिल्दों में है। ठीक है, कितनी जिल्द में है? 10 जिल्द। तारीख़ हिंदुस्तान 10 जिल्द में है, ये मौलवी जकाउल्ला की है। और मौलवी जकाउल्ला सर सैयद के जितने रुफका हैं उनमें सबसे ज़्यादा किताबें लिखने के लिए मशहूर हैं। कुल 143 किताबें लिखी है। कितनी किताबें हैं? 143 किताबों के मुसन्निफ हैं मौलवी जकाउल्ला, और ये जो है उनके रुफका में शुमार होते हैं, सर सैयद के रुफका में। ठीक, और इनको शमशुल उलमा का किताब भी मिला था। हर मौजू पर लिखते थे ये, कोई भी मौजू हो और उसको तहकीक करके लिख डालते थे। इसी वजह से हाल ही ने इनके दिमाग को बनिए की दुकान कहा है। ठीक है, मौलवी जकाउल्ला के दिमाग को बनिए की दुकान किसने कहा है? हाल ही ने कहा है, क्योंकि बनिए की दुकान क्या होती है? बनिए की दुकान में हर चीज़ मिल जाएगी, थोड़ी 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 जो सब चीज़ रखे रहते हैं, कोई भी चीज़ चाहिए मिल जाएगी। इसी तरीके से इनका दिमाग भी था, यानी हर मटेरियल इनके दिमाग में मौजूद था, यानी हर चीज़ में इनको नॉलेज था। ठीक है ना, तो बनिए की दुकान इनके दिमाग को हाल ही ने कहा है। शमसुल उलमा का खिताब पाया है। 143 किताबों के मुसन्निफ हैं, और सर सैयद के रुफका में सबसे ज़्यादा किताबें लिखने के लिए मशहूर हैं, और सर सैयद के रुफका में इनका शुमार भी होता है। समझ गए ना। और तारीख़ हिंदुस्तान एक किताब लिखी है 10 जिल्द में। क्लियर। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। मुहिब्बे हिंद रिसाला किसने जारी किया था? ध्यान से देखिए, मुहिब्बे हिंद ये जो रिसाला है इसको जारी किया था मास्टर रामचंद्र ने। मास्टर रामचंद्र ने मुहिब्बे हिंद के नाम से रिसाला जारी किया था। हालांकि मास्टर रामचंद्र ने दो रिसाले जारी किए थे। एक का नाम था फवायदुन नाजरीन। क्या नाम था? एक का नाम था फवायदुन नाजरीन। फवायदुन नाजरीन के नाम से एक रिसाला निकाला था, और इसके अलावा एक और रिसाला निकाला था मुहिब्बे हिंद के नाम से। ठीक है ना, तो एक रिसाला ये याद रखिए और एक रिसाला ये, दोनों याद रखिए। लेकिन मुहिब्बे हिंद के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इसके बारे में सबसे पहले क्या हुआ कि मास्टर रामचंद्र ने एक रिसाला जारी किया, उसका नाम था खैर ख्वाहे हिंद। क्या नाम था उसका? खैर ख्वाहे हिंद। खैर ख्वाहे हिंद के नाम से मास्टर रामचंद्र ने एक रिसाला जारी किया, दो ही शुमारा निकला था, मतलब कि दो बार निकला था। तो इनको पता चला कि मिर्ज़ापुर से इस नाम से कोई रिसाला निकल रहा है, तो इन्होंने तुरंत उसका नाम बदल दिया, और उसका नाम बदल कर रख दिया मुहिब्बे हिंद। ठीक है ना, तो अगर पूछा जाए खैर ख्वाहे हिंद तभी इन्हीं का रिसाला है। ठीक है ना, या मुहिब्बे हिंद, या मुहिब्बे हिंद का दूसरा नाम क्या है? खैर ख्वाहे हिंद। किसी भी तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो सारी चीज़ें जा रही है। समझ में आ गया ना। तो मुहिब्बे हिंद या खैर ख्वाहे हिंद और फवायदुन नाजरीन, तीनों नाम याद रखिएगा। और मास्टर रामचंद्र जो थे वो दिल्ली कॉलेज में मैथ पढ़ाते थे, रियाजी पढ़ाते थे। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि 1857 की जंग में शहीद हुए 1800 मौलवी नज़ीर अहमद, राशिदुल खैरी, हसन निज़ामी, इमाम बख्श सहबाई। तो देखिए, आपको एक तो मालूम है कि मोहम्मद बाकिर को शहीद किया गया था, एक इमाम बख्श सहबाई को भी फांसी पर चढ़ाया गया था। इन पर भी बगावत का इल्ज़ाम लगाया गया था, और इनको भी जो है फांसी चढ़ा दी गई थी, इनको फांसी चढ़ा दी गई थी। ठीक है ना, तो 1857 की जंग में कौन शहीद हुए थे? इमाम बख्श सहबाई। ये भी दिल्ली कॉलेज में थे, और ये जो है फारसी पढ़ाते थे। क्लियर हो गया ना। चलिए आज की वीडियो को ये ख़त्म करते हैं, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बताएं, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अस्सलाम वालेकुम।